एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो आज की वीडियो में ना हम लोग शुरू करने वाले हैं आपकी क्लास 9th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 होने वाला है, ये इंडिया का साइज और उसके लोकेशन। हम दोनों ही चीजें आज की अपनी इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। एंड जैसे कि आप लोगों को पता है, ये हमारी डिटेल्ड वीडियोस होती हैं जिसमें हम चैप्टर को लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का समझते हुए चलते हैं विद कुछ फिगर्स, कुछ पिक्चर्स के साथ, ताकि आप लोगों की विजुअल अंडरस्टैंडिंग भी काफी अच्छी हो सके। एंड चलो आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखो, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर इंडिया का साइज और उसकी लोकेशन के बारे में। इंडिया का साइज क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, सब कुछ पढ़ते हुए चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर है एक पैराग्राफ दे रखा है, एक आपको इंडिया के बारे में कुछ बताने के लिए कि इंडिया कैसा है, कहाँ पर है, थोड़ा सा उसके बारे में एक बार देख लो कि इंडिया कितना अच्छा है और क्या इंडिया ने डेवलपमेंट कर ली है, थोड़ा सा उसके बारे में है। जस्ट छोटा सा, इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। आप लोगों को पता है सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जहां पे लोग रहते हैं, पूरी बसावट अपनी बसाते हैं, जहां पर उनके पास पानी की फैसिलिटीज, सोने की, रहने की, खाने की, हर एक चीज की फैसिलिटीज होती हैं। आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि जो हमारी इंडिया की एक रिवर है जिसका नाम है इंडस रिवर, उसके आसपास सबसे पहले सिविलाइजेशन थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन। आप लोगों ने क्लास 6 में ही पढ़ा होगा इसके बारे में थोड़ा बहुत। तो बस आपको ये बोला हुआ है, बताया हुआ है, एक बार याद दिलाया हुआ है कि हाँ इंडिया जो है आपका, उसके अंदर इंडिया की बिल्कुल जो है मतलब वर्ल्ड की एंशियंट सिविलाइजेशन जो है उसके अंदर थी। अगर कोई भी बैकग्राउंड नॉइज आ रही हो, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, उसके बाद क्या है, इट हैज अचीव्ड मल्टी फेसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 decades। नाउ डिकेड्स का मतलब क्या होता है, 10 साल, पता होगा, और 5 decades का मतलब क्या हुआ फिर, सिंपली 50 साल। अब आपको बता रहे हैं कि पिछले 50 सालों में इंडिया ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करी है। आप चाहे वो सोशल लेवल पे कह लो, यानी कि यहाँ पर आपका है सोशियो, या आप कह लो कि इकोनॉमिक लेवल पे, यानी कि पैसों के लेवल पे, यानी कि सोशल लेवल पर भी इंडिया में डेवलपमेंट काफी हुई है पिछले 50 सालों में। क्या सोसाइटी थी पहले और आज के टाइम पर सोसाइटी कितनी डेवलप हो चुकी है, इकोनॉमिक रूप से भी इंडिया ने काफी डेवलपमेंट करी है। इट हैज मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस, काफी प्रोग्रेस करी है अलग अलग फील्ड्स में, चाहे आप देखो एग्रीकल्चर के फील्ड में, आप देखो इंडस्ट्रीज के फील्ड में, आप देखो टेक्नोलॉजी के फील्ड में, हर एक चीज में इंडिया ने काफी ज्यादा डेवलपमेंट करी है। ओके, एक सिंपल आपको बता दें कि हाँ ठीक है, इंडिया पहले कैसा था और अब इंडिया ने काफी डेवलपमेंट कर ली है। ओके, अब एक बार मुझे बताओ इंडिया की लोकेशन कहाँ है। अब इंडिया तो हम कह रहे हैं, इंडिया है कहाँ? आपको कहोगे मैम इंडिया वर्ल्ड में ही तो है, वर्ल्ड में है मुझे पता है, लेकिन एग्जैक्टली वर्ल्ड में कहाँ है? अच्छा, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में आपने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पढ़ा होगा कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, एक बार उसको रिवाइंड करें। ठीक है, देखो ये हमारा जो है पूरा का पूरा वर्ल्ड होता है, इसमें क्या होते हैं बहुत सारे, आपको पता है जो हमारा अर्थ है वो स्फेयर शेप का नहीं है, वो सर्कल शेप का नहीं है, हमारे अर्थ की शेप आई होप आप लोगों को याद होगा, अगर नहीं हो तो बता देती हूँ, GEIOD, गियोइड शेप है, जो हमारी अर्थ की जो शेप है दैट इज कॉल्ड गियोइड। जो हमारी अर्थ की शेप है वो कैसी है, गियोइड, ठीक है, OID। ओके, तो हमारी जो अर्थ की शेप है ये नॉट स्फेयर नहीं है, हमारा अर्थ जो है वो ना तो स्फेयर है ना ही सर्कल है, इट्स गियोइड, जियोइड आप बोल सकते हो। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो पोल्स होते हैं थोड़े से फ्लैट होते हैं ऐसे करके, यहाँ से हल्का सा पोल जो है फ्लैट होगा और बाकी सब जो है गोल होगा, उसे हम सिंपली बोलते हैं गियोइड की शेप। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, आपको पता है कि हमारा जो अर्थ है उसमें बहुत सारे लैटिट्यूड्स भी हैं और लॉन्गिट्यूड्स भी हैं। डिफरेंस क्या था कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, जो लेटी हुई लाइंस होती हैं इन्हें हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स, और जो ये लंबी वाली लाइंस होती हैं इन्हें हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ये डिफरेंस आप लोगों को पता है। अच्छा, अब इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या पता होगा आप लोगों को कि ठीक है लैटिट्यूड्स बहुत सारे हैं, एक जो बिल्कुल बीच का लैटिट्यूड है जैसे हम कहते हैं 0 degree का लैटिट्यूड, वो हमारी अर्थ को 2 equal पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक होता है सदर्न हेमिस्फीयर। पता है आप लोगों को ये चीज कि ये हमारा जो है अगर अर्थ है तो यहाँ पर से पास होता है बीच में से 0 degree का लैटिट्यूड, जिसे हम कहते हैं इक्वेटर। अब ये हमारी अर्थ को 2 equal पार्ट्स में डिवाइड करेगा, जो ऊपर का होगा उसे हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और जो नीचे का होगा साउथ में होगा उसे हम कहेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। यहीं पर ही एक होता है आपका लॉन्गिट्यूड, जिसे हम बोलते हैं 0 degree का लॉन्गिट्यूड, ये हमारी अर्थ को 2 equal पार्ट्स में डिवाइड करता है इस तरीके से लंबे लंबे तरीके से। जो इसकी ईस्ट वाली साइड है इसे हम कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और जो इसकी वेस्ट वाली साइड है उसे हम क्या कहेंगे फिर, यस, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अच्छा, अब जैसे यहाँ पर हमने इस 0 degree के लैटिट्यूड को इक्वेटर नाम दिया है, इसी तरीके से हम जो हमारा 0 degree का लॉन्गिट्यूड है इसको क्या नाम देते हैं, प्राइम मेरिडियन। क्या नाम देते हैं इसको, हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन, ठीक है। अब आई थिंक आपका जो बेसिक बेस आपका बनना चाहिए, जो आपको एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए, आई होप आपको वो पता लग गई होगी।
अच्छा अब मुझे बताओ कि इंडिया कहाँ पर लाई करता है। देखो आप लोग यहाँ पे हम मान के चलते हैं, ये देखो यहाँ पर है हमारा ये 0 डिग्री का लैटिट्यूड जिसे हमने बोला है इक्वेटर, और यहाँ पर है हमारा ये 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड जिसे हमने बोला है प्राइम मेरिडियन। ये पूरा वर्ल्ड है हमारा। अच्छा अब ये जो पार्ट है इसका ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, और जो इसके वेस्ट में है इसे हमने कहा है इसका वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इस वाली लाइन के आप समझ पा रहे होंगे जो डॉटेड लाइन है ये वाली है, और यहीं पर जो ये वाली जो लेटी हुई डॉटेड लाइन है यहाँ पर, सॉरी समटाइम्स माउस थोड़ा प्रॉब्लम करता है तो ये हो नहीं पाता है। ओके बाय द वे आपको समझ में आ रहा होगा जो ये डॉटेड लाइन है इसे ही मैं बोल रही हूँ 0 डिग्री का लैटिट्यूड। अब ये डिफरेंस समझ में आ रहा है। जो इसके ऊपर का पार्ट है इसे हमने बोला है नदर्न हेमिस्फीयर, और जो इसके नीचे का पार्ट है सारा का सारा इसे हमने बोला है सदर्न हेमिस्फीयर। ये बात भी क्लियर है। अब देखो एक बार इंडिया कहाँ आ रहा है, इस इक्वेटर से ऊपर है, इक्वेटर से ऊपर है यानी कि नदर्न वाला पार्ट है, यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। देखो नदर्न हेमिस्फीयर ये पूरा का पूरा है, यहाँ से ये जो पूरा एरिया है ठीक है। अब इसके अंदर इंडिया कहाँ पर है, ये रहा दिख रहा है आप लोगों को येलो वाला पार्ट, ये इंडिया है हमारा, नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर आया। प्लस अगर मैं इस लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग देखूं यानी कि प्राइम मेरिडियन के अकॉर्डिंग देखूं तो कहां पर है, ईस्ट में है, यानी कि हमारा इंडिया जो है कहां पे आता है, नदर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, देखो आप देखोगे चार हेमिस्फीयर बन रहे हैं इससे, ये वाला जो हेमिस्फीयर है यहाँ पर, एक सेकेंड लेट मी डू वन थिंग, और आप लोगों को काफी अच्छा ओवरव्यू देने के लिए मैं एक चीज यहाँ पे कर सकती हूँ। ओके वेट देखो ये वाला आप मानो जो ये ब्लैक वाला पार्ट है इस, ये रहा ये 0 और ये रहा ये 0, जो ये वाला पार्ट है पूरा का पूरा यहां से ये सारा का सारा ये क्या है, नदर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर। नदर्न ईस्टर्न तो नॉर्थ और ई, मैं ऐसे लिखती हूँ नदर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अच्छा यहीं पर ही जो आपका ये वाला पार्ट है इसके, ये क्योंकि ईस्ट में आया ना इसके, अब यहीं पर ही अगर मैं जाऊं एक बार रेड लेती हूँ इसके वेस्ट को इंडिकेट करने के लिए, जो जो ये वाला पूरा का पूरा पार्ट है दिस वन यहां से और ये यहां तक, ये जो सारा का सारा है इसे यहां पर मैं कहूंगी नदर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब जो भी जैसे नॉर्थ अमेरिका है या हमारा थोड़ा वो जो ऊपर ग्रीनलैंड वाला पार्ट है ये सब इसके अंदर आएगा। अच्छा और अगर मान लो मैं यहाँ पर एक बार कहती हूँ आपको ब्लू लेकर कि ये वाला जो एरिया है पूरा का पूरा ये आपका कहाँ पर आएगा, यस यहाँ पर देखो क्या ये वेस्ट है और ये साउथ है, तो क्या आएगा साउथ सदर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर आपको कहूंगी तो ये वाला हमारा आ जाएगा जो ये वाला पार्ट है दैट इज सदर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, यानी कि जो ये पूरा का पूरा ऊपर का एरिया ये नॉर्थ है, नीचे का साउथ है, इधर का पूरा ईस्ट है और इधर का पूरा वेस्ट है ठीक है। अब आप समझ गए यहाँ पर कि जो इंडिया है वो नदर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में कंप्लीटली लाए करता है ठीक है। अच्छा उसके आगे देखो एक बार आपको यहाँ से फिगर 1.1 समझा चुकी हूँ पूरा का पूरा। अब यहाँ पे आपको बताना है कौन से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में इंडिया आता है, तो एक बार आप लोग वैसे यहीं पर देख सकते हो, एक बार फिगर पहले एक बार हम यहीं पर देख लेते हैं थोड़ा सा इसको करके एक बार। ओके देखो आप एक बार आप यहाँ पे लैटिट्यूड्स पर नजर डालो कि इंडिया कहाँ पर आ रहा है, इंडिया कहाँ पर आ रहा है इसके अंदर। देखो 0 डिग्री से ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, और कहाँ तक जा रहा है 45 से नीचे है लेकिन 30 से ऊपर है। अब एक बार आप इस वाले फिगर पे नजर डालिए, यहां से आपको ना काफी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पे देखो एक बार, इंडिया हमारा 8°4 इसे जो ऐसे ऊपर का कॉमा है ना, ये जो इसे हम बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी, यहाँ इसकी जगह यहाँ पर हम इसे बोलते हैं मिनट्स, यानी कि इंडिया जो है 8°4' के लैटिट्यूड से लेकर इंडिया हमारा 37°6' ईस्ट नॉर्थ का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है, यानी कि जो हमारा इंडिया है वो 8°4' नॉर्थ से लेकर के 37°6' नॉर्थ तक आता है लैटिट्यूड से, इसलिए नॉर्थ बोल रही हूँ। और नॉर्थ क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इंडिया पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही लाई करता है। यही पर ही अगर मैं लॉन्गिट्यूड की बात करूं, जो लंबी वाली लाइन्स है उसमें हमारा इंडिया 68°7' ईस्ट से लेकर के 97°25' ईस्ट का लॉन्गिट्यूड तक आता है, जो इंडिया का बिल्कुल ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, और यहां से जो इंडिया का बिल्कुल वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। ऐसे ही जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो 8°4' से लेकर के यहाँ पे इंडिया का बिल्कुल जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वहां तक 37°6' नॉर्थ तक का है। तो आप लोगों को इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड याद रखने हैं, बिकॉज ये आपसे एग्जाम में एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछ लेते हैं कि इंडिया जो है कौन से लैटिट्यूड्स के बीच में आ रहा है या फिर कौन से लॉन्गिट्यूड्स के बीच में आ रहा है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब यहीं पर ही देखो आप बोल रहे हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक लाइन है यहाँ पर जो कि 23.5° नॉर्थ पे आती है, पता है ये हमारी इंडिया को, नॉट
कंट्री की, नॉट सॉरी नॉट वर्ल्ड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कंट्री की, कि हमारी कंट्री इंडिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दी है। देखो आप लोगों को यहां से इस वाली फिगर में आपको देखने को मिलेगा, बीच में देखो ये डॉटेड लाइन दिख रही है ना, ये डॉटेड लाइन है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, 23.5 डिग्री नॉर्थ से ऐसे करके पास करती है, जो कि 8 स्टेट से होकर गुजरती है। कौन कौन सी 8 स्टेट से अगर पता है तो वयन को, नहीं पता है तो आप चिंता मत करो, इस चैप्टर से लेकर आपके जो भी नोट्स, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और जो आपके कुछ क्वेश्चंस इस चैप्टर के बीच में आप लोगों से पूछ रखे हैं इस तरीके से फाइंड आउट करके, या जो बुक एक्सरसाइज है, सब कुछ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, तो आपको समझ में आया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। टू द साउथ ईस्ट, हमारे इंडिया के साउथ ईस्ट में, नाउ ईस्ट और साउथ, इधर की तरफ क्या है, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, और यहाँ पे साउथ वेस्ट में क्या है हमारा, इधर हमारा अरेबियन सी है। अच्छा, अब जो ये बे ऑफ बंगाल है, एक बार आप यहाँ पे हम फिगर देख लेते हैं, जो ये बे ऑफ बंगाल आप देख रहे हो यहाँ पर, ये देखो इंडिया का साउथ ईस्ट वाला पार्ट ये है, ठीक है, ये साउथ ईस्ट में आ रहा है और ये इंडिया का साउथ वेस्ट में आ रहा है। तो जो इंडिया का साउथ ईस्ट है वहां पर क्या है, बे ऑफ बंगाल है, और बे ऑफ बंगाल के अंदर आपका एक मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ऐसे ही साउथ वेस्ट में आपका एक अरेबियन सी है, बहुत बड़ी सी है, उसी के अंदर एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसका नाम है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड्स, ठीक है। तो आपको ये बात भी याद रखनी है कि साउथ ईस्ट में अंडमान निकोबार है जो कि बहुत बड़ा है, लक्षद्वीप साउथ वेस्ट में है अरेबियन सी के अंदर है जो कि काफी छोटा है, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है हमारे इंडिया का, उसका नाम है इंडियन यूनियन का नाम है इंदिरा पॉइंट, तो जब 2004 में सुनामी आई थी तब वो आधा डूब चुका था। एक बार आप देख लो कहां पर है ये इंदिरा पॉइंट, मैं किसकी बात कर रही हूँ, क्या बात कर रही हूँ, तो आप एक बार यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा जो इंडिया है यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है कि ये जो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड है, इसी के अंदर जो बिल्कुल लास्ट में अंडमान ऊपर का पार्ट आपको पता होगा, आई होप, सॉरी एक सेकेंड, या ठीक है, अब आपको पता होगा कि जो अंडमान है ये ऊपर के पार्ट को अंडमान बोलते हैं और जो नीचे का पार्ट है उसे हम निकोबार बोलते हैं, ठीक है। अब यहीं पे देखो जो बिल्कुल साउथ वाला पॉइंट है उसका नाम है आप इंदिरा पॉइंट, तो ये जब 2004 की सुनामी आई थी, बस आपको बताया हुआ है कि उस टाइम पे काफी हद तक डूब चुका था, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंडिया के साइज की, साइज कितना है, आपको बस एक फिगर के रूप में याद रखना है कि इंडिया का साइज जो है, जो पूरा का पूरा एरिया है इंडिया का वो कितना होगा, सोचो उसका एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, हमारे इंडिया का ये एरिया है जो पूरा का पूरा हमारा येलो वाला आपको इंडिया दिख रहा है ना, इसका एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। आपसे पूछ सकते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में, तो बस एक फैक्चुअल रूप में याद रखना। दूसरा पॉइंट क्या याद रखोगे कि देखो आपको बताया पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड का कुछ ना कुछ एरिया है हमारा 100% होगा ऑब्वियसली, उस 100% में से जो इंडिया है वो मात्र 2.4% है, बस आपको इतना याद रखना है कि इंडिया जो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तो है ही, लेकिन पूरे वर्ल्ड के एरिया का मात्र 2.4% है उसका एरिया, क्लियर हुआ। बस आपको यहाँ पर यही चीजें, कुछ दो चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आती हूँ, ठीक है, फाइन। अब देखो यहाँ पर है, आपको एक और चीज याद रखनी है, आप यहाँ पे अगर फिगर में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर फिगर आपकी 1.2 है जिसके अंदर दिखाया हुआ है वर्ल्ड की 7 लार्जेस्ट कंट्रीज, यानी कि वर्ल्ड की 7 लार्जेस्ट कंट्रीज कौन कौन सी है, आप एक फॉर्मेट के रूप में उसको याद रख सकते हो। मैं यहाँ पर एक बार आप लोगों के लिए वो फॉर्मेट लिख देती हूँ, RCUCBAI, ठीक है। अब ये क्या आप सोच रहे होंगे, मैम ये क्या लिखवा दिया आपने, RCUCBAI क्या है, ये आपका नहीं ट्रिक है याद रखने की, इस 7 लार्जेस्ट कंट्रीज को, ठीक है। मैं इसको कैपिटल लिखना चाहती थी वैसे, लेकिन मैं कैपिटल लिख नहीं पाई, बिकॉज अगर मैं कैपिटल लिख मेरी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाती। ओके फाइन, देखो यहाँ पर क्या है, RCUC, यानी कि आपके जिस घर में कुछ होती है ना, कई बाई वगैरह होती है कुछ के लोगों की, तो भाई आप क्या, हम दाई जान भी बोलते हैं, भाई जान बोलते हैं शायद कुछ इस टाइप से, बाई, अच्छा रक्कू होता है ना, रक्कू रकून कुछ याद रखो, डोरीमोन रक्कू रकून से करके, उससे आप सोच सकते हो रक्कू बाई, लेकिन रक्कू बाई की जगह आपको यूसी को ना आगे पीछे कर देना। देखो अगर मैं यहाँ पर लिखती RCCU RCCUBAI, अगर मैं ऐसे लिखती तो मैं लिखती रक्कू बाई, तो यहाँ पर क्या होता, रशिया कैनेडा चाइना यूएसए, लेकिन क्या है आपको इसको आगे पीछे कर देना है, यू को आपको पहले लेकर आना है और सी को आपको बाद में लेकर आना है, उससे आपका बनेगा रकुतवाई। तो आपको उससे बस याद रखना है कि ठीक है सबसे फर्स्ट है यहाँ पर जो बिल्कुल लार्जेस्ट कंट्री है वो है हमारी रशिया, दान है कनाडा, दान है यूएसए, दान है चाइना, दान है ब्राजील, दान है ऑस्ट्रेलिया, एंड देन है हमारा इंडिया, ठीक है। तो हमारी इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे के पूरे वर्ल्ड की, एक ट्रिक है बस, जिससे आप शायद आप लोग याद रख सको, अगर वैसे रख सकते हो तो वेल एंड गुड,
ओके okay. उसके बाद आपको बताया हुआ है सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री के बाद इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री, कि इंडिया की लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर की, और जो कोस्ट लाइन है इंक्लूडिंग जो अंडमान निकोबार है और लक्षद्वीप, दैट इज 7516 किलोमीटर। अगर देखो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, जो इंडिया की लैंड, जो लैंड की बाउंड्री है, यानी कि जो यहां से जो पूरा का पूरा ये जो एरिया जा रहा है ना, दिस वन, ये आप एक बार फिगर में आप देख लो मेरे साथ साथ कि ये जो मैं एरिया बना रही हूँ ना पूरा का पूरा, इसे हमने बोला है इंडिया की लैंड बाउंड्री। तो ये जो इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है, ये यहां तक जो मैंने ब्लू वाला पार्ट बनाया है, ये है इंडिया की लैंड बाउंड्री, और इसकी जो लेंथ है वो है 15,200 किलोमीटर। वही मैं बार बार बोल रही हूँ, इस वाले चैप्टर में काफी कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो कि आप लोगों से एग्जाम के पर्सपेक्टिव में आपके एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, फिलअप में भी पूछ सकते हैं, एंड ट्रू फॉल्स के रूप में भी पूछ सकते हैं, कुछ और कुछ तो आपसे पूछा हुआ एक साइज के फॉर्मेट में, और कुछ और पूछ सकते हैं। तो आपको बस कुछ फैक्चुअल चीज याद रखनी है यहाँ पर कि ठीक है, जो इंडिया की लैंड बाउंड्री है वो ये जो मैंने बाउंड्री अंडरलाइन करी है, ये बाउंड्री 15,200 किलोमीटर की है, ठीक है। अब आपको होगा जो नीचे जो बाउंड्री लिखी है वो कौन सी है, तो वो आपकी रेड वाली बाउंड्री है, यानी कि जो ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया है, जो कोस्ट लाइन है, यानी कि जो कोस्ट वाला जो एरिया है, ये वाला यहां से लेकर ये वाला रेड, प्लस जो ये अंडमान निकोबार की जो ये बाउंड्री है ना, ये वाली आप इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट भी नहीं कर पाऊंगी ढंग से, ये यानी कि जो इस तरीके से जो सारी की सारी बाउंड्री है ना, ये छोटी छोटी, आप इन सबको यहाँ पर ऐड करना, प्लस यहाँ पर ये लक्षद्वीप वाली, इन सबको मिलाकर जो बाउंड्री आती है दैट इज 7516 किलोमीटर। दैट्स ऑल, आपको बस इतना याद रखना है कि जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर की है, और जो कोस्ट लाइन बाउंड्री है दैट इज 7516 किलोमीटर। क्लियर हुआ? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट। आपको पता है नॉर्थ वेस्ट में भी इंडिया के, और नॉर्थ में भी और नॉर्थ ईस्ट में भी इंडिया के माउंटेन्स है, यानी कि नॉर्थ में आपको पता है यहाँ पर बहुत सारे हैं हमारे, माउंट एवरेस्ट मत कहना, माउंट एवरेस्ट तो यहाँ पर है नेपाल में, ठीक है। यहाँ पर आपके केटू है, कराकोरम रेंज है, हिमाद्री, बहुत सारे अलग अलग, आप लोग पढ़ोगे अभी चैप्टर टू में सब कुछ पढ़ोगे, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर नॉर्थ में भी हिमालयाज है, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में भी हिमालयाज है, यहाँ पर हिंदू कुछ माउंटेन्स है, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा शायद, और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में भी है, यहाँ पर जो आपकी कुछ मिजोरम हिल्स है, आपकी असम हिल्स है, मेघालय है, बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर हिल्स है, पूर्वांचल हिल्स वगैरह, तो वो आपका यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में भी है। तो आपको बताया हुआ है सिंपली कि इंडिया के नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में माउंटेन्स है, ठीक है। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगेन्स टू टेपर एंड एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द इंडियन ओशियन, जिससे ये डिवाइड करती है अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर टेपर का मतलब क्या होता है, एक बार इसको समझो, टेपर का मतलब क्या होता है, टेपर का मतलब होता है सिंपली झुकना, बैंड होना, जो टुवर्ड्स, क्या बोल रहे हैं, देखो 23.5 डिग्री हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी कि इससे नीचे होगा 22 डिग्री यहाँ पर है। अब वो कह रहे हैं कि 22 डिग्री यहाँ पर है आपका, इस लैटिट्यूड के बाद जो इंडिया है वो ऐसे ना नीचे की तरफ झुकना शुरू करता है। आप देखो आराम से ऊपर ऐसे आ रहा था, ऐसे करके आया, फिर उठा, फिर ऐसे वो ऐसे ऐसे हो रहा है, फिर गोल घूम रहा है, कर्व ले रहा है, इस तरह से इंडिया था। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि वो कॉन्टिन्यूसली जो इंडिया है हमारा, वो 22 डिग्री के लैटिट्यूड के बाद जो हमारा इंडिया है वो नीचे की तरफ झुकना शुरू करता है, वो टेपर होना शुरू करता है और जाकर इंडियन ओशियन के अंदर मिल जाता है, जिससे हमारा इंडिया जो है दो ऐसे दो सीज में डिवाइड हो जाता है, बे ऑफ बंगाल उसके ईस्ट में और अरेबियन सी उसके वेस्ट में है। सिर्फ आपको इतना बताया हुआ है इसके अंदर, ये पॉइंट भी क्लियर हो। आगे बढ़ते हैं, देखो फ्रॉम ओके नाउ लुक एट फिगर 1.3, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड नोट दैट द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है हमारे इंडिया का वो है 30 डिग्री। इसके बावजूद भी जो ईस्ट टू वेस्ट है वो थोड़ा छोटा दिखता है हमें, स्मॉलर दैन द नॉर्थ टू साउथ। क्या समझा रहे हैं, समझो एक बार यहाँ पे समझो, 8 डिग्री 4 मिनट्स, ठीक है, और 37 डिग्री 6 मिनट्स, माइनस करके देखना इसको, 37 डिग्री में से माइनस करना एक बार 8 डिग्री को, कितना आएगा, अराउंड 29 समथिंग ऐसे आएगा, और एक बार 97 डिग्री में से 68 को माइनस करके देखो तब भी ऐसे आएगा, अराउंड 29 समथिंग। तो मान के चलते हैं कि इंडिया का नॉर्थ टू नॉर्थ का जो डिफरेंस है और ईस्ट टू ईस्ट का डिफरेंस जो है यहाँ पर, ये 30 डिग्री के सेम है, यहाँ भी 30 डिग्री है और यहाँ भी 30 डिग्री है। अगर दोनों तरफ 30-30 डिग्री है, ऐसा क्यों है कि आपको जो ये ईस्ट टू वेस्ट वाला है ये आपको सिर्फ और सिर्फ 2933 किलोमीटर का एरिया है, लाइक जो लेंथ है इसकी, और जबकि जो यहाँ पर आपका नॉर्थ टू साउथ वाला है वो 3214 किलोमीटर का, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है,
बिकॉज जो आपने यहाँ पर जो आप अच्छा अब यहाँ पर एक और चीज समझते हैं अभी इसी के साथ साथ, ऐसा क्यों है ये अभी समझेंगे, इसके साथ साथ एक और चीज समझो। अब आपको ये दिख रहा है कि दोनों में यहाँ पर 30 डिग्री का अंतर है, लेकिन उसके बावजूद भी ईस्ट टू वेस्ट का जो एक्सटेंट है, जो ईस्ट टू वेस्ट है थोड़ा छोटा है एज कम्पेयर टू नॉर्थ टू साउथ। इसी के अंदर मुझे एक चीज यहाँ पर समझाओ, आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा इंडिया है, लाइक सो मैं कहूंगी जो हमारा अर्थ है, अर्थ अपनी रोटेशन भी करता है और सन के अराउंड रिवॉल्व भी करता है, सबको पता है, बहुत बेसिक से बात बता रहे हो मैम, पता है। सुनो, अब जो अर्थ है जब वो सन के अराउंड अपने अराउंड रोटेट करता है, अपनी रोटेशन कंप्लीट करता है, सन जो हमारा अर्थ है वो अपने रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करता है, 24 घंटे, सबको पता है 24 घंटे में। अच्छा, यानी कि ओके, आप लोगों ने मास से पढ़ा होगा, एक एंगल पढ़ा होगा, अगर इस तरीके से एंगल है वो, तो 180 डिग्री का एंगल होता है, और अगर वो पूरा ऐसे करके भी आ रहा है, यानी कि मेरी ड्राइंग में यहाँ पर अब बेकार हो जाती है एक्चुअली माउस में, ओके, अगर वो पूरा ऐसे होकर आ रहा है दैट मीन्स वो 360 डिग्री का एंगल है, यानी कि कोई भी चीज जो गोल घूम रही है अगर वो उसे अपनी जगह पर वापस आना है, यहां से अगर उसने शुरू करा है उसे घूमकर यहां पर वापस आना है, तो उसको 360 का एंगल बनाना होगा, यानी कि हमारी अर्थ 24 घंटे में 360 का एंगल बना देती है। सिंपल सी बात कह रही हूँ ना मैं, अपनी जगह पर घूम के आती है, 24 घंटे लगते हैं रोटेशन कंप्लीट करने में, उस 24 घंटे में जो हमारी अर्थ है वो 360 डिग्री का एंगल बना लेती है, और बेसिक से बात कह रही हूँ, ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ अगर उसने 24 घंटे में 360 का एंगल बनाया तो वो एक घंटे में कितने का एंगल बनाएगी, एनी आइडिया? मैं बताती हूँ, 15 डिग्री का, कितने का बनाएगी वो, 15 डिग्री का, यानी कि जो हमारी अर्थ है वो एक घंटे में 15 डिग्री का एंगल बनाएगी, यानी कि हमारी अर्थ जो है वो एक घंटे में 15 डिग्री आगे घूम जाएगी, बहुत सिंपल बात है। अब मुझे एक चीज बताओ, आप लोगों ने पढ़ा होगा जो टाइम वाला जो कॉन्सेप्ट था उसमें हमने ये देखा था, हमने पहले देखा हुआ है कि जो भी टाइम आपका इस 0 डिग्री के लॉन्गिट्यूड पर होगा, जो भी टाइम आपका इस 0 डिग्री के लॉन्गिट्यूड पर होगा, जितना भी आप लॉन्गिट्यूड में आगे बढ़ते जाओगे टाइम उतना ही आगे बढ़ता जाएगा, यानी कि अगर अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 बज रहे हैं तो यहाँ पर तो 6 बज गए होंगे, इसके बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश में 6 बज रहे होंगे, तो गुजरात में अभी 4 ही बज रहे होंगे, क्योंकि वो लॉन्गिट्यूड आगे हो गया उससे, और 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड आगे है, अगर एक घंटे में उसमें 15 डिग्री आगे घूम रही है तो 2 घंटे में कितना आगे घूमेगी, और वैसी बात है 30 डिग्री का, यानी कि वो 15 डिग्री आगे घूम रही है हमारी जो अर्थ है वो एक घंटे में, तो क्योंकि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का फर्क है, लाइक 30 डिग्री का फर्क है, आपको दिख रहा है ना 30 डिग्री का फर्क था ईस्ट टू वेस्ट में, तो अगर 30 डिग्री का फर्क है तो इस 30 डिग्री में अर्थ कितना आगे घूम जाएगी, 2 घंटे, 30 डिग्री में कितने का कितने टाइम का फर्क आएगा, 2 घंटे का, यानी कि अगर गुजरात में अभी 4 बज रहे होंगे अरुणाचल प्रदेश में 6 बज रहे होंगे, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, जैसे कि अगर आज मान लो आपके एक फ्रेंड है, आप रहते हो गुजरात में, आपका फ्रेंड रहता है अरुणाचल प्रदेश में, अब आपके यहाँ 4 बज रहे, आप सो रहे हो, उसके यहाँ 6 बज चुके हैं, वो उठ गए, उसको याद आया आपका बर्थडे, सुबह उठते ही 6 बजे आपको कॉल कर दिया, आप कहोगे, उठाया आपने फोन रात में, भाई 4 बज रहे, आप कहोगे भाई इतनी रात को क्यों फोन कर रहा है, भाई हैप्पी बर्थडे, भाई तू पागल है क्या, रात के 4 बज रहे, अच्छा 4 बज रहे, मेरे यहाँ तो 6 बज रहे, तेरे यहाँ 6 कैसे बज रहे, मेरे यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ 4 बज रहे, हो गई प्रॉब्लम। कोई भी इंसान है जो कि ट्रेवल कर रहा है, लाइक फ्लाइट्स, ऑब्वियसली बात है हमारे इंडिया में बहुत सारे फ्लाइट्स हैं, वो ट्रेवल कर रहा है तो फ्लाइट्स में बहुत डिफरेंस आएगा, अगर यहाँ के फ्लाइट में 4 बज रहे हैं तो कहीं पे 3:30 बज रहे होंगे, कहीं पे 3 बज रहे होंगे, कहीं पे 4 बज रहे होंगे, कहीं पे 6 बज रहे होंगे, टाइम डिफरेंस आ गया यहाँ पर। अच्छा, इसी की वजह से हमारे इंडिया ने, हमारी बहुत सारी के सारी कंट्रीज ने ऐसा किया था कि एक अपना एक टाइम को सिलेक्ट कर लिया था ताकि उन्हें टाइम की प्रॉब्लम ना हो। अब वो सिलेक्शन कैसे हुआ था, ऑब्वियसली बात है अगर यहाँ पर 4 घंटे का फर्क, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, तो बीच में इसका टाइम उन्होंने सिलेक्ट कर लिया कि जो भी टाइम इस बीच वाले लॉन्गिट्यूड पर होगा उसको हम मानेंगे अपना स्टैंडर्ड टाइम, जो भी टाइम इस बीच वाले लॉन्गिट्यूड पर होगा उसको हम मानेंगे अपना स्टैंडर्ड टाइम, और ये जो मरीडियन है यानी कि ये जो लॉन्गिट्यूड है इसे हमने कहा स्टैंडर्ड मरीडियन यानी कि स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड। ये जो आपको दिख रही है ना यहाँ पर ये डॉटेड लाइन, ये वाली से हमने कहा है अपना स्टैंडर्ड मरीडियन, मरीडियन को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड यानी कि स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड आप कह सकते हो इसको, इंडियन स्टैंडर्ड मरीडियन आप इसे कहोगे, और ये कितनी डिग्री पर है आप देखो, 68 में 15 प्लस कर दो अराउंड अराउंड और 97 में से 15 माइनस कर दो, आपको समझ में आ जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट कह लो या फिर 82.5 डिग्री ईस्ट कह लो, कुछ भी कह लो, बात एक ही है,
82.5 डिग्री ईस्ट को हमारे बीच का लॉन्गिट्यूड माना गया, और जो भी टाइम इस लॉन्गिट्यूड को हमने क्या कहा, स्टैंडर्ड मरीडियन ऑफ इंडिया, आप ऐसे कह सकते हो, और जो भी टाइम आपका इस लॉन्गिट्यूड पर होगा उसे हमने कहा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये पूरा का पूरा जो इश्यू था ये सॉल्व हो गया। आपको सिंपल से याद रखना है कि भाई हमारा जो इंडिया है वो उसमें टाइम का डिफरेंस काफी था, सॉरी ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट में 2 घंटे का फर्क आ रहा था, क्योंकि हमें पता है कि हमारी अर्थ 1 घंटे में 15 डिग्री आगे घूम जाती है, और 2 घंटे में कितना घूमेगी फिर 30 डिग्री, और फर्क कितना है हमारा 30 डिग्री का, यानी कि गुजरात अब अगर 4 बज रहे होंगे तो हमारे अरुणाचल प्रदेश में 6 बज रहे होंगे। बीच में मान लो आपका यहाँ पर, मान लो यहाँ पे यूपी है, यूपी में इस टाइम 5 बज रहे होंगे, वैसे बता ना बीच का टाइम आ रहा है। तो हम कह के चलते हैं कि हर एक कंट्री ने कुछ ना कुछ टाइम यहाँ पे सेटअप कर लिया था, ताकि जो भी टाइम वहां पर होगा उस वाली जगह पर जो टाइम होगा उससे हमारी इंडिया की सारी घड़ियों में वही टाइम शो होगा। इसलिए आप देखते होंगे कि अगर हमारे यहाँ अभी रात हो रही है तो अमेरिका में इस टाइम सुबह हो रही होगी, क्यों, क्योंकि जो लॉन्गिट्यूड है हमारा, एक बार आप यहाँ पे देखते हैं इस चीज को, ये अब देखो मैंने क्या कहा कि आप जितना इससे आगे जाओगे लॉन्गिट्यूड से उतना आपका टाइम ऐड होता रहेगा, प्लस होता रहेगा, और जितना आप इस 0 डिग्री से पीछे जाओगे यानी कि वेस्ट की तरफ जाओगे उतना आपका टाइम माइनस होता रहेगा। अगर यहाँ पर 5 बज रहे हैं तो वहां पर इस टाइम पे कुछ और ही टाइम हो रहा होगा, डिपेंडिंग ऑन द लॉन्गिट्यूड, कि लॉन्गिट्यूड कितना आ गया और कितना पीछे। आई होप आप लोगों को ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया। कोई भी अगर डाउट है कमेंट सेक्शन फ्री है, आप लोग कभी मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हो, मैं शॉर्ट्स के फॉर्मेट में या वीडियोस के फॉर्मेट में आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करूंगी, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब आप लोगों को इतना चीज, आई होप बेसिक चीज आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फाइन, आगे देखो यहाँ पे क्या पॉइंट बोला हुआ है, बट ओके यहाँ पर हो गया कि अब आपको याद रखना है कि भाई जो हमारी 2 घंटे का डिफरेंस की वजह से इंडिया ने यहाँ पर स्टैंडर्ड मेरिडियन सिलेक्ट करा है, जिसे हमने बोला है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट कह लो, या फिर 82.5 डिग्री ईस्ट कह लो, जो कि यूपी में एक जगह है आपकी इलाहाबाद, इलाहाबाद में एक जगह है मिर्जापुर, वहां से शुरू होती है, वहां से पास होती है। वैसे आपको याद रखना है कि जो आपकी ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये 5 स्टेट से होकर पास करती है, स्टेट्स कौन कौन से है वो आप लोगों को अगली वीडियो में सब कुछ समझाऊंगी अलॉन्ग विद द नोट्स, एक्सरसाइज, बुक क्वेश्चंस, व्हाटएवर। ओके, मिर्जापुर से होकर ये पास करती है, जो भी टाइम इस पर होगा इसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड टाइम। क्लियर हुआ यहां तक का? ठीक है, द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की वजह से हमारा डे और नाइट में डिफरेंस आता है, ये बातें आपको पता होंगी। नेक्स्ट, अब बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है हमारा इंडिया और वर्ल्ड के बारे में आपको बताया हुआ है। द इंडियन लैंड मास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, अब आपको हम बताया हुआ है, साइज तो बता दिया आपको इंडिया का, साइज कहाँ पर है, कितना है, कैसा है, क्या है, सब बता दिया। अब आपको थोड़ा सा वर्ल्ड के लेवल पर इंडिया के लोकेशन के बारे में बताया हुआ है, कैसी है, कितनी अच्छी है, क्या फायदा है, वो सब आपको पता है। इंडिया के सेंट्रल लोकेशन है ना, तो बिल्कुल ईस्ट एशिया में है और ना ही वेस्ट एशिया में है, जैसे चाइना है वेस्ट में आ गया काफी आपका, ऐसे मान के चलते हैं, सिंगापुर है वेस्ट आ गया, सॉरी ईस्ट में आ गया। अब इसी तरीके से आपको बोला हुआ है कि इंडिया है वो सेंटर में आ रहा है, तो ये भी आपको बताया कि एशिया का सदर्न पार्ट है हमारा इंडिया ही है, ठीक है, तो साउथवर्ड एक्सटेंशन है हमारे एशिया का फॉर इंडिया, ठीक है। द ट्रांस इंडियन एशिया ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ सेंट्रल स्ट्रेटेजिक लोकेशन टू इंडिया, आपको सिंपली यहाँ पर इसमें इतना बताया हुआ है, क्योंकि जो हमारा इंडिया है वो बिल्कुल यहाँ पर आता है, बीच में आ रहा है, इसकी वजह से क्या होता है, जो भी कुछ भी अगर यहाँ पे ओशन के रूट्स है, मान लो यहाँ पे ओशन का रूट्स है, यहाँ पर क्लियरली जा रहा है ईस्ट एशिया की तरफ, इसके जो ओशन के रूट्स हैं वो जाते हैं क्लियरली यहाँ पर वेस्ट एशिया की तरफ, तो यहाँ पर काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो इंडिया के लिए काफी अच्छी लोकेशन है, क्योंकि इजिली यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो सकता है, हार्बर्स बन सकते हैं, बहुत सारे काम बहुत आराम से हो सकते हैं, ठीक है। नोट दैट इंडिया डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशियन, दस हेल्पिंग इंडिया टू एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट्स विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। आपको सिंपली क्या बोलना चाह रहे हैं कि आपको दिख रहा है कि जो डेक्कन पेनिनसुला है वो किस तरीके से इंडियन ओशियन के अंदर की तरफ जा रहा है, इसकी वजह से फायदा हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि इंडिया जो है क्योंकि ओशियन में चला गया तो नीचे का पार्ट बिल्कुल ओशियन में, मैंने पहले ही कहा कोस्ट लाइन बहुत लंबी है, अच्छा उसकी वजह से क्या है कि जो उसके वेस्ट वेस्ट की तरफ से वो यूरोप से भी काफी अच्छे कॉन्टेक्ट डायरेक्टली यहां से निकाल सकता है और अफ्रीका से भी निकाल सकता है, ठीक है, वो घूम कर यहाँ पर साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका से यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से ईस्ट की तरफ हर कंट्री से जो इंडिया है वो बहुत
अच्छी तरीके से उससे जो है ट्रांसपोर्ट कर सकता है, कनेक्शन बहुत अच्छे बना सकता है। अच्छा, फिर आपको ये भी पता है कि कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसकी इतनी लंबी कोस्ट लाइन हो, और कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसके नाम पर एक ओशियन हो। इंडियन ओशियन मात्र ऐसा ओशियन है जिसके नाम पर एक, जो कि इंडिया जो कि कंट्री के नाम पर है। क्लियर हुआ? आपको एक सिंपल एक छोटा सा पॉइंट दिखा रखा है, एक बार आप ये फिगर देख लो कि आप लोगों को यहाँ पर देखकर समझ में होगा थोड़ा सा ये पॉइंट। यस, देखो यहाँ पर एक बार थोड़ा सा यहाँ पर हम करते हैं। देखो यहाँ पर हमारा इंडिया है, ये मुंबई है। यहाँ से पहले जो यूरोप का रास्ता था वो ऐसे घूम कर जाने का था, इस तरीके से यहाँ पर लंदन यूरोप में इस तरह जाता था पहले। आपको आपने देखा भी है जब जो पोर्तुगीज वगैरह आए थे वो ऐसे ही घूम कर आए ना, पूरा का पूरा साउथ केप के बाद, जो साउथ गुड होप वाली जो केप है हमारी, ठीक है, केप ऑफ साउथ, ठीक है। तो यहां से आए हैं वो, इसे घूमकर आए। लेकिन यहाँ पे कहा गया कि जब से यहाँ पर स्विस कैनाल खुल गया है, जब से यहाँ पर स्विस कैनाल बन गया है, उसके बाद से जो रास्ता है, जो डिस्टेंस है, वो 7,000 किलोमीटर का कम हो गया है। पहले अगर वो 19,000 किलोमीटर का था वो रास्ता, वो रास्ता मात्र 11,600 किलोमीटर का है, यानी कि 7,000 किलोमीटर से जो रास्ता है वो कम हो चुका है। सिंपल सी बात है, ठीक है। कब आएगी? 1869 में रूट आया है। क्या नाम है इसका? स्विस कैनाल। इट्स अ कैनाल जो कि हमारा यूरोप को और इंडिया को काफी कम टाइम में कनेक्ट करता है। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास यहाँ पर क्या आता है, दैट इज, यहाँ तक का बेसिक आप लोगों का आई होप समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो आपको फिगर्स के रूप में सब दिखा रखा है कि इंडिया के किस तरीके से यहाँ पर रूट्स हैं, यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज से, चाहे वो जापान है, चाहे वो चाइना है, चाहे वो म्यांमार है, नीचे सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, इधर आपका जो वेस्ट है, वेस्ट इंडिया है, वेस्ट एशिया है, पूरा यूरोप है, अमेरिका है, बहुत सारी कंट्रीज से इंडिया कितने अच्छे तरीके से अपने इन सी रूट्स के थ्रू कनेक्शन कर पाता है। लेकिन अभी आपको एक चीज समझना, India's contact with the world have continued through ages, but her relationships to the land routes are much older than the maritime contacts. आप लोगों को पता है जो इंडिया में, इंडिया का जो लैंड रूट्स का रास्ता जो है ना, जो लैंड वाला यानी कि जो जमीन वाला रास्ता है, उससे जो कनेक्शन है वो और पुराना है as compared to जो सी रूट से है। हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा किस तरीके से पहले चाइना से, यूरोप से, अलग अलग कंट्री से जो पिलग्रिम्स आते थे इंडिया के दर्शन करने, यहाँ पर घूमने, यहाँ के विजिट करने, इसको बुद्धिज्म के बारे में जानने या जैनिज्म के बारे में, जो भी पिलग्रिम्स आए हैं, बहुत सारे लोग उस टाइम पे या उससे पहले भी जो ऋषि मुनि आए हैं, जब इंडिया सिविलाइजेशन हुआ है, बहुत सारी चीजें हुआ, उस समय पर लैंड रूट्स लोगों ने इस्तेमाल करा है। यानी कि लैंड रूट जो है बहुत पुराने हैं, सी रूट्स तो बहुत बाद में आए। यानी कि आपको सिंपली बताया हुआ है कि लैंड रूट्स बहुत पुराने हैं, जो कनेक्शन इंडिया के लैंड के साथ वो बहुत पुराना है, ठीक है। द वेरियस पासेज अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पासेजेस टू द एंशिएंट ट्रैवलर्स। यानी कि आपको पता है कि जो उस टाइम पे ट्रैवलर्स, जो घूमने वाले, जो ट्रैवल कर रहे थे, जो लोग, जो पिलग्रिम्स थे, जो यहाँ पर देखने दर्शन करने आए थे, वो लोग लैंड रूट से आए थे। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है पासेस। पासेस क्या होता है? मान लो यहाँ पर ये माउंटेन बीच में आ रहा है, ये हमारा मान लो हिंदू कुश माउंटेन है, नॉर्थ वेस्ट में है ना हमारा हिंदू कुश माउंटेन्स, यहाँ पे हमारा इंडिया है, लेकिन बीच में आपका ये हिंदू कुश माउंटेन्स आ रहे हैं। अब जिसे भी यहाँ से मान लो यूरोप से आना है, हमारे इंडिया में आना है किसी को भी, तो वो कैसे आएगा? यहाँ पे तो माउंटेन है, क्रॉस ही नहीं कर पाओगे, कब तक चढ़ोगे, क्या करोगे, आप क्रॉस ही नहीं कर पाओगे। माउंटेन्स को चढ़ना इतना आसान नहीं है कि ऋषि मुनि या जो भी लोग आ रहे हैं वो सब चढ़ सके, इसलिए यह माउंटेन से बना होता है एक छोटा सा रास्ता, इसे हम कहते हैं पासेस, जो कि एक जगह से माउंटेन्स में से रास्ता निकला होता है कि आप यहाँ से इधर की तरफ जा सकते हो, इसे हम सिंपली बोलते हैं यानी कि पासेस। तो माउंटेन्स के अंदर क्या होता है, कुछ रास्ते बने होते हैं जिससे उस टाइम पे ट्रैवलर्स थे वो आसानी से आ पाए थे। हालांकि यही जो चीज थी ये ओशियंस ने रेस्ट्रिक्ट कर रखी थी बहुत लंबे समय तक। हमको पता है ओशियन के रूट्स बहुत बाद में बने हैं, लैंड रूट्स बहुत पुराने हैं, ठीक है। दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड, अब ऑब्वियसली बात है, मैंने बहुत बार कहा है कि अगर लोग एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करेंगे तो उनके साथ उनके आइडियाज, उनके उपनिषद, उपनिषद का मतलब क्या होता है, कोई भी एक टीचर है वो अपने स्टूडेंट को कुछ बातें बता रहे होते हैं, उस टाइम की ऋषि मुनि हुआ करते थे वो कुछ लिखते थे अपने विद्यार्थियों के लिए, जैसे होते ना क्या कहते हैं उन्हें हम, गुरु जो होते हैं ना, जो गुरु जो बातें होती है सारी की सारी जो उस टाइम पे होते थे वो सब उसके अंदर लिखते थे। तो यानी कि उपनिषद क्या होते हैं, वो टीचिंग्स ऑफ अ टीचर, सिंपली आप ऐसे कह सकते हो, जो भी टीचिंग्स होती है किसी इंसान की वो सब उसके अंदर लिखते हैं। तो अगर कोई भी इंसान है जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करता है, उस इंसान के साथ बहुत सारे लोग थे उस टाइम पे ट्रेवल करने वाले, तो उनके साथ उनके आइडियाज, उनके थॉट्स, उनके उपनिषद, उनकी सारी बातें, हर एक कोई मैथ्स उन्होंने लगाई है, फॉर सपोज जीरो का कैलकुलेशन, जीरो आया था हमारी लाइफ में, जो डेसिमल सिस्टम आया था
जो पुराण थे, जो एपिक्स है, रामायण है, महाभारत है, इन सब ने क्या करा था, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करा। जो हमारे रामायण है वो हमारे इंडिया में हुई है, इंडिया और श्रीलंका, तो पूरे वर्ल्ड को वो चीजें कैसे पता है? यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ आज पता है, नहीं, बहुत पहले से पता है, क्योंकि ये सब चीजें इधर से उधर ट्रेवल कर रही थी लोगों के साथ साथ। आपको सिंपली ये बोला गया है कि आइडियाज और कमोडिटीज का उस टाइम पर भी क्या हो रहा था, एक्सचेंज होता था। वैसी बात है, उपनिषद से कुछ आइडियाज हो गए, रामायण है, पंचतंत्र है, नंबर्स का सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम है, ये सब जो है ट्रेवल कर रहा था। सिर्फ और सिर्फ मर्चेंडाइज नहीं, यानी कि गुड्स नहीं, गुड्स के जैसे कुछ मसाले हैं, मसलिन वगैरह है, आइडियाज हैं, थॉट्स हैं, कमोडिटीज हैं, ये सब ट्रेवल करती थी एक जगह से दूसरी जगह पर। आप लोगों ने ग्रीक के स्कल्पचर के बारे में बहुत सुना होगा, जो ग्रीक की मूर्तियां होती हैं या जो ग्रीक का कल्चर होता है, वहां पर आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुत पहले से आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा। कैसे आए ये सब? इन्हीं के थ्रू आया, इन लोगों के थ्रू, आइडियाज, ट्रेवलर्स, पिलग्रिम्स, ठीक है, आपको इतना बताया हुआ। नेक्स्ट आपसे लास्ट बात करी जा रही है इंडिया के नेबर्स की। आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज हैं, बहुत सिंपल सी बात है। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया जो है अपने लैंड के बाउंड्रीज कुछ कंट्रीज के साथ शेयर करता है। आप लोगों को यहां पर आई होप आपको दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत नहीं दिख रहा होगा तो मैं एक बार दिखा देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखो, इंडिया की जो है लैंड बाउंड्री है वो पाकिस्तान के साथ, यहाँ पे लिखा नहीं है, बट यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ भी जो इंडिया है वो छोटे से बाउंड्री शेयर करता है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया के नेबर जो उसके नेबरहुड है ना, पड़ोसी, वो चाइना, नेपाल, देखो इतनी लंबी बाउंड्री है नेपाल के साथ, को ये ना फिगर में नहीं आ पाएगा, ठीक है, नेपाल है, भूटान के साथ छोटी सी बाउंड्री है, म्यांमार के साथ इतनी लंबी बाउंड्री है, और जो लॉन्गेस्ट बाउंड्री है वो है बांग्लादेश के साथ, और जो शॉर्टेस्ट बाउंड्री है वो है अफगानिस्तान के साथ। यहाँ पे देखो आप, बांग्लादेश के साथ कितनी लंबी बाउंड्री है, पूरी की पूरी जो घूम कर आते हैं ना इस तरीके, करीब करीब 4096 किलोमीटर की बाउंड्रीज है ये बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ। तो यहाँ पर क्या है कि इंडिया जो है अपनी लैंड बाउंड्रीज पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, नॉर्थ वेस्ट में शेयर करता है यहाँ पर इधर की तरफ। अच्छा, फिर नेपाल है, चाइना है, भूटान है, नॉर्थ में यहाँ पर इनकी, इनके साथ शेयर कर रहा है, और म्यांमार और बांग्लादेश के साथ ईस्ट में इनके साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। लैंड बाउंड्री शेयर हुई। फिर यहाँ बोला हुआ है कि इंडिया के कुछ ना दो आइलैंड कंट्रीज भी हैं जो कि इंडिया के नेबर है। एक का नाम आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, एक यहाँ पर है मालदीव्स और एक यहाँ पर आपका श्रीलंका। सबको पता होगा ये चीज है, यानी कि इंडिया जो है अपनी दो आइलैंड कंट्रीज भी हैं जिनके साथ इंडिया अपनी बाउंड्री शेयर करता है। क्लियर हो गया? यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये इंडिया की जो है मैरिटाइम बाउंड्री है, ये इंडिया की लैंड बाउंड्री है। लैंड बाउंड्री कितनी है? 15,200 किलोमीटर, और मैरिटाइम बाउंड्री 7,516 किलोमीटर। आपको दिख रही है अलग अलग स्टेट्स की बाउंड्रीज है। चाइना, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पर अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश और म्यांमार है, जिनके साथ इंडिया अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ये इंडिया की बॉर्डर कंट्रीज है, और दो यहाँ पर आइलैंड कंट्रीज भी है, मालदीव्स है और श्रीलंका है। तो आप लोगों को ये सब चीजें यहाँ पर याद रखनी है। एक और चीज यहाँ पे आपका पॉइंट बता रखा है आपको, दैट इज श्रीलंका और मालदीव्स इंडिया के द्वारा सेपरेट हो रखे हैं एक नारो चैनल से, जिसका नाम है यहाँ पर पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार। और जो जो मालदीव्स आइलैंड है, आपको पता है कि लक्षद्वीप यहाँ पर है, देखो लक्षद्वीप यहाँ पर है, लक्षद्वीप के साउथ में आपका क्या है, मालदीव आइलैंड भी है। ये बहुत बेसिक सी बात है, पता है आपको। अच्छा, अब आपको लास्ट पॉइंट क्या याद रखना है कि श्रीलंका और इंडिया आपस में अलग हो रखे हैं। देखो यहां से क्या है, ये हमारा बे ऑफ बंगाल है पूरा का पूरा, जिस तरह हमारा बे ऑफ बंगाल है उसी तरीके से श्रीलंका का है एक, जिसका नाम है पाक बे। क्या नाम है इसका? पाक बे। हमारा बे ऑफ बंगाल है बहुत बड़ा सी, ऐसे उनका एक सी जिसका नाम है पाक बे। अब ये दोनों सी आपस में अलग हो रखे हैं पतले से, पतली सी वाटर बॉडी से, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट। जब दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडी एक दूसरे से अलग होती है, बहुत बड़ी वाटर बॉडी है और ये एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, जब ये दोनों एक दूसरे से अलग होती हैं, एक सेपरेट, एक पतली सी वाटर बॉडी से, यहाँ पे मान लो यहाँ पर ये बड़ी वाटर बॉडी है और यहाँ पर ये भी एक बड़ी वाटर बॉडी है, इस तरीके से जब ये एक पतली सी वाटर बॉडी से एक दूसरे से अलग हो रखी हो, यहाँ पर ये बीच में पतली सी वाटर बॉडी हो, इसे हम कहते हैं स्ट्रेट। एग्जाम्पल आपके जैसे कि पैसिफिक ओशन है बहुत बड़ा है, आर्कटिक ओशन है बहुत बड़ा है, ये दोनों ना मिलते हैं लेकिन ये आपस में अलग हो रखे हैं बेरिंग स्ट्रेट से। ऐसे ही जो बे ऑफ बंगाल है और जो पाक बे है, दोनों पानी है, बहुत बड़े बड़े वाटर बॉडी है लेकिन आपस में अलग हो रखे हैं एक छोटे से स्ट्रेट से, जिसका नाम है पाक स्ट्रेट। दैट्स ऑल।
पेपर गल्फ ऑफ मन्नार है, गल्फ थोड़ा छोटा हो, गल्फ थोड़ा बड़ा होता है, बे थोड़ा छोटा होता है, यहाँ पर एक्सेप्शनल केस है इसका, जो बे है वो गहरा नहीं होता, गल्फ बहुत गहरा होता है, बस आपको इतनी बातें याद रखनी है, एंड दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा, कोई डाउट अगर आप लोगों को हो तो कमेंट सेक्शन में, मैंने बोला है हमेशा आप लोगों के लिए खुला हुआ है, कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कहीं भी कुछ भी समझ में ना आया हो, टाइम वाला कॉन्सेप्ट या इंडिया का कॉन्टेक्ट वाला कॉन्सेप्ट, कुछ भी आपको समझ में ना आया कमेंट सेक्शन में आपसे पूछो, एंड अगली वीडियो में जो भी इस चैप्टर से आपके नोट्स बन सकते हैं, एक्सरसाइज हो सकती है, बैक एक्सरसाइज है, जो चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन आंसर्स है, हम लोग सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, आप लोग देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसमें मैंने बनाने का मन नहीं करता इसलिए फिर, लेकिन ठीक है आप लोग चैनल, आप लोग वीडियो देखो, आपको अच्छी लगे आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके मुझे बताओ आपको कैसा लगा, ठीक है, एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो ताकि उनके भी कुछ हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं आपकी अगली वीडियो में।